ये है निज गेमर द डेडलीस्ट प्लेयर इन लापता एसएमपी एंड आई एम गोइंग टू बिट्रे हिम। बट निज भाई तो मेरे दोस्त भी नहीं है, तो मैं इनको बिट्रे कैसे करूंगा उनसे दोस्ती करके। यस्ती भाई मुझे ना गेम्स की मदद से लोगों को ट्रैप करना है, समझ रहे आप मेरी बात को? क्या आप मेरी मदद करोगे उसमें? मतलब मैं अकेले नहीं कर सकता है सब कुछ, मुझे किसी की जरूरत है, तो आप क्या मेरी हेल्प करोगे? कर लूंगा भाई, हाँ क्यों नहीं कर लूंगा। तो किसी को भी बिट्रे करने के लिए तुमको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और इसमें से हमारी सबसे पहली स्टेप है वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू हेलो हेलो। ये फॉर्चून निकाल के रख दो, ये लो वापस देना भाई प्लीज यार। ओके ये एक टेस्ट था ट्रस्ट के लिए जो कि आप पास कर गए। थैंक यू डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्ड होना चालू हो गया था, लेकिन अगर बिट्रे करना है तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट बनाना जरूरी है, तो इसलिए उन्होंने जितने भी काम मेरे को दिए मैं करते गया। यस्टी भाई ये लो माइन करो, आप तब तक जाओ माइन करो। पहली बात तो यहाँ पे देखना है कि उन लोगों को पता है ट्रैप का या फिर नहीं। अगर पता है तो हम पीट डालेंगे वही। आप तो नीचे रहोगे, आ जाएगा मैं ऊपर आ जाएगा। अगर आपको लगे कुछ गड़बड़ है तो बस मुझे बता दो। निज भाई को बिट्रे करने वाला प्लान सिर्फ मुझे और लैपिस भाई को पता था, और फिर पता नहीं क्या हुआ भाई लैपिस भाई ने जाके डीओपी को बता दिया जो कि उस टाइम पे सेनपाई का टीममेट था। क्या कर दिया लैपिस भाई यार, क्या कर रहे हो तुम, उसको क्यों पता है प्लान? अरे मेरे को लगा कि वो हमारे साथ है। क्या कुछ भी दोस्ते हो क्या? डीओपी को बुलाओ। हेलो सुन, मेरी बात सुन डीओपी, मुंह बंद रखना है तेरे को, समझा? जो भी लैपिस ने बताया उसके बारे में देखो, आप लोग को जो भी करना है जल्दी करो। मैं तो बस ये कह सकता हूँ कि मैं कल के 1 बजे के बाद निज भाई को सब बता दूंगा। अब हमारे पास सिर्फ 20 घंटे बचे थे, और निज भाई के साथ हमारे ट्रस्ट को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए आई विल हैव टू सैक्रिफाइस, व्हिच इज स्टेप नंबर 2। मतलब मुझे कुछ प्लेयर्स को मारना पड़ेगा निज भाई के लिए। तो निज भाई ने 3 अलग-अलग लेवल्स बनाई थी, और उसमें तीसरे लेवल के अंदर था एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप। तो मेरा काम था कि प्लेयर को उस ट्रैप तक लेकर आना और उस ट्रैप से प्लेयर गिराना, और जैसे ही ट्रैप से प्लेयर नीचे गिरेगा बाकी का काम निज भाई संभाल लेंगे। और हमारा सबसे पहला बकरा था आरटीओ भाई। आप भवे से आते हुए, अरे भाई आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम टू PSD1 आर्केड ब्रो। और मैं फाइनली आ चुका हूँ, अब करना क्या अपने को? ओके ओके रुको रुको सर, अरे सर दुकान में मैं लेके जाऊंगा यार, आप किधर जा रहे हो? तो हमारे दुकान में आप पहले कस्टमर, तो मैं चाहूंगा आप अपने जूते उतार दो। अरे उतार दिए भाई। थैंक यू सो मच। तो मैंने ये जूते पहन रखे। तो सबसे पहले आरटीओ भाई हम लोग खेलने वाले हैं बास्केटबॉल। क्या आपने बास्केटबॉल कभी खेला है? हाँ खेला तो है। पहला गेम इधर है सर, मैं आपको ये लीजिए कोबाल्ट स्टोन लीजिए। पहले तो आपको फी भरनी पड़ेगी, मतलब गेम में पार्टिसिपेट करना, 3 डायमंड दे दो हमें। ऐसा भी होता है क्या? अरे हाँ भाई, फुकट का कौन काम करता है। लीजिए पेमेंट लीजिए। थैंक यू फॉर द पेमेंट। आपको क्या करना है, इस पे खड़ा रहना है, ये बटन दबाइए और ऐसा उड़ के गोल करना है आपको, ठीक है? कोबाल्ट स्टोन उसके अंदर डालना है क्या? वही बास्केट करना है। आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 बार मारते हो तो 1 डायमंड का ब्लॉक मिल जाएगा आपको। अरे ये पोशन फेंक दिया भाई ने, ये क्या कर दिया भाई आप, तो इस चला गया दूसरा चांस, और ये यार ये क्या है, दूसरा भी नहीं गया। आखिरी चांस है, अगर आप करोगे तो आप जीत सकते हो। इसी के साथ चला गया, लेट्स गो। नहीं हुआ आपका इनाम, कहाँ हुआ भाई, इसमें अटकना चाहिए वो। मैं आपको दिखाऊं क्या, मुझे कोबाल्ट स्टोन दीजिए, मैं करके दिखाता हूँ भाई, आई एम एक्सपर्ट हियर। ये है भाई अपना असली खतरनाक गेम, इसको आप पार करोगे ना तो मैं आपको 2 डायमंड दूंगा। पहले 3 जमा करो, ठीक है? अभी सुनिए, यहाँ पे खड़ी रही, अपने बो निकाली, बो निकाली सरकी, आप जरा सरकी, अरे करी मत, आपको ऐसा बो मारना है, तो ये बो जो है इसके अंदर जाना है, घंटा बजना चाहिए। अरे घंटा बजा तो आपको मिलेंगे 2 नया डायमंड के ब्लॉक। पहला चांस फेल, दूसरा चांस फेल भाई, तीसरा भी फेल, आखिरी चांस। यस जी भाई, तो ये हेल्प करो, यहाँ से मार दो गया। अच्छा चलो इसके ऊपर खड़े रह लो आप लास्ट। अरे अच्छा, वैसे नहीं दूर ने, 1 ब्लॉक पीछे जाओ भाई, चलो क्या कर, उंगली दिया तो हाथ ही पकड़ते हैं यार ये लोग। अच्छा तो ये 4 डायमंड चले गए भाई, 2 डायमंड और दो और आप अपना मिशन पूरा कर सकते हो भाई। 2 डायमंड और निकालो, कैसे दू? ये लो एक ले लो। चलो ठीक है, आपको डिफिकल्टी कम करने के लिए ये लो। ये कुछ अच्छा लग रहा है। अरे लो भाई क्या दिक्कत है भाई तुम्हारे बो स्किल्स पे भाई, इधर आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को। और अगर आप आगे देख रहे होगे 20 डायमंड ब्लॉक 30 नेदराइट चलकर 20 डायमंड ब्लॉक दे रहे हो क्या? ऐसा सोचते हैं सब लोग, लेकिन ऐसा 20 पॉइंट पे 1 डायमंड ब्लॉक, 30 पॉइंट पे 1 नेदराइट और 40 पॉइंट पे 1 शलकर। अब बोलेंगे भाई पॉइंट कैसे करें, पॉइंट कैसे बोलना है भाई? ये 10, 15 और 5 है, और नीचे 3 कंपार्टमेंट है, ये जो है ये 5 का है, ये वाला 15 का है। अरे आप बाहर रहो यार, गेम के अंदर आते हो, और ये है 10 का। आपके हाथ में जो समझो ये है ना, ये फेंकना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फेंका, ओ 15 पॉइंट हो गए मेरे। यहाँ से मैं आपका गेम देखूंगा ऊपर आके,
ताकि मैं आपके पॉइंट्स गिन सकूं। ओके चलो फेंको पहला। बट फिर कुछ ऐसी चीज हुई जिससे शायद हमारा पूरा प्लान ही चौपट हो जाता। पेमेंट नहीं लेनी है। अरे ओ सॉरी 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 पेमेंट लेना भूल गया भाई। पेमेंट दो भाई। पेमेंट दो। अरे शॉर्ट दे दिया। लगा दो लगा। आपके पास में इंडिया का राइट छोड़ा ये वापस करो प्लीज। उनको वहाँ पे पिस्टन दिख गया था लेकिन थैंक गॉड उनको समझ नहीं आया कि वहाँ पे कुछ ट्रैप है और उन्होंने इग्नोर कर दिया और हम बच गए। ओके पहला फेंक ये। अरे नहीं नहीं पीछे पीछे कांच के पीछे से ठीक है वो थोड़ा सेंटर में से फेंके वो आइस लगाई है उसके ऊपर खड़े होकर फेंकना ताकि कठिनाई हो। 1 2 3 ओके किधर गया। दूसरा ब्लॉक फेंकना है ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। कहा गया इजी पीजी। और इसी तरह से मुझे दीपू भाई को भी मारना पड़ा। दीपू भाई कम ऑन यशी भाई जल्दी। और मेरे चड्डी गैंग के मेंबर स्टीवी को भी मारना पड़ा। थोड़ा सेंटर में आ जाओ स्टीवी भाई। हाँ ओके नाइस नाइस। लेकिन इस सैक्रिफाइस के कारण मेरा ट्रस्ट जो है वो बहुत अच्छा बिल्ड हो गया। जो आज का थोड़ा बहुत इनकम हुआ जैसे कि आज मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे हर्ट हो चुके हैं अभी। यस कांग्रेट्स। थोड़े से मैं आपको एंडरबल दे देता हूँ क्योंकि ये भी दिया है। और भी मैं आपको बहुत सारी चीजें देने वाला हूँ। ले लो पीएसटी भाई आपकी आज की पेमेंट। एक चम्मच भी लेके जाओ। फुल प्रोटेक्शन 4 का आर्मर है। और इसी के साथ हमारा आज का दिन खत्म हो गया था। और जो भी नए बकरे हम फंसाने वाले थे वो हम कल करने वाले थे। मतलब हमारे पास कुछ भी टाइम नहीं बचा था। सिर्फ 1 घंटा बचा रहेगा हमारे पास कल। तो फिर मैंने सोच लिया था कि अभी मैं और नए प्लेयर्स को नहीं लाऊंगा उस ट्रैप में और सीधा लैपिस भाई को लाऊंगा। हेलो 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 लैपिस भाई सुनो। हाँ भाई क्या हो गया। हम जा रहे हैं अभी मिशन पे मिशन पेलोनिस। यस हम लोग निज भाई निज गेमर को तो मारना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बार। अब सुनो लेकिन 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 हम निज गेमर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छी पीवीपी करते हैं तो उसके लिए हमको पूरा प्रिपेयर्ड जाना पड़ेगा। लैपिस भाई आपके पास पोशंस रेडी है। यस बिल्कुल सारे पोशन एकदम रेडी है मेरे पास। लेकिन हमारे बीच एक प्रॉब्लम है। निज और सेनपाई के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। हाँ अगर वो दोनों हुए फिर हम क्या करेंगे भाई। आपको मैंने समझा दिया है कि नया ट्रैप कैसे काम करने वाला है। और जैसे मैं कोड वर्ड बोलूंगा कि आप जूते उतारिए वैसे आपको वो ट्रैप तोड़ देना है और रिस को एक्सपोज करके हमारे पास बुलाना है। और जैसे वो हमारे पास आएगा वी विल स्ट्राइक। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हमारी तलवारें रंगीन क्यों हो गई है क्योंकि मुझे पता था फाइट में निज भाई इनविजिबिलिटी का पोशन यूज करेंगे। इसलिए मैंने एक कस्टम रिसोर्स पैक बनाया जिसमें अगर तुम अपने तलवार का नाम चड्डी रखो तो उसका टेक्सचर पैक चेंज हो जाता है। तो इवन इफ यू आर इनविजिबल लैपिस भाई और मैं एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए लैपिस भाई अभी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको आपको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ठीक है। आप पहले तो मेरे सामने खड़े रहिए और जूते उतारिए क्योंकि यहाँ पे हमारा रूल है। जूते अरे तोड़ना नहीं है भाई कुछ तोड़ो मत। लैपिस भाई तोड़ दिया भाई इन्होंने। पता था मुझे मुझे पता था मुझे मुझे रुको कॉम्बैट में डाले तो लैपिस भाई रुको भाई का कॉम्बैट भाई गाय का रुको भागो मत यार। पीएसटी भाई नहीं मैंने नहीं सोचा था आप भी निकलोगे। पोर्टल के पास है ना हम लोग। एक सेकंड अरे पीएसडी भाई ऐसा लगा लैपिस भाई। यस भाई रिमूव द टोटम। तुम मर दूंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा क्या। आप कौन से हो ये बताओ। मैं एक हूँ भाई। आप निकलो। ओ शिट ये बंदा मुझे मार देगा। यस भाई ये मैं हूँ। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। यस भाई निकलो ना आप यहाँ से। अरे खेलता हूँ ना। नहीं 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 आप मुझे ही पड़ रहे हैं आपके शॉट। बस पीएस भाई नाटक हो गया बस खत्म। हाँ भाई अब निज भाई को पेलने आए इधर चड्डी गैंग। चड्डी गैंग कम ऑन बॉयज पेल दो भाई। निज भाई आओ पेलो हो भाई निज भाई को पेल दो भाई। हो गया बहुत एक्टिव हो गई है अभी। निज भाई पेल आप बस थोड़ा दूर रहो ज्यादा पास पास मत लड़ो। चड्डी गैंग से भाग रहे हैं भाई। सोचो आपको क्या लगा मेरे को बीट करेंगे पीएस भाई। मैं कैसे धोखा दे सकता हूं भाई मेरे टीममेट को। ये तो सोच लेना सही था। ये है भाई ये है 5 की क्रिट चेंदी भाई को। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ।
कम ऑन ब्रदर। हमारे बॉस सर जी भाग गए, चड्डी गैंग से लड़ गए। मैं नहीं भागा हूं। आ जाओ फिर, आ जाओ, आ जाओ भाई। मैं पोर्टल के पास हूं। ये ट्विस्ट पता है ना, ये सेनपाई को बुलाने गया है। अबे सोचो भाई, निज भाई को सेनपाई की जरूरत पड़ रही है चड्डी गैंग को मारने के लिए। चड्डी गैंग को, एक न्यूवेस्ट गैंग को मारने के लिए दो प्रो प्लेयर्स आ रहे हैं। भरोसा भी इतना हो गया कि मैं लैपिस को धोखा दे दूंगा। हम लोग तुम्हारे जैसे नहीं है, फर्स्ट थिंग भाई तुम्हारी टीम अपने टीममेट को मारेंगे। अरे क्या हुआ? किधर गया? किधर गया? किधर गया? भागे हो, बता दो। अभी मैं जा रहा हूँ। बस ओके, जा रहे हैं, जा रहे हैं। आप लोग ये फाइट जीत चुके हो। जा रहे हैं। अरे थैंक यू निश के भाई, इतना बोलने के। ये है चड्डी गैंग का पावर। लेट्स गो, वी वॉन्ट द वॉर बॉयज। निश के मर को भगा दिया चड्डी गैंग ने।